हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को प्रेशर रिड्यूसिंग एंड रिलीविंग वाल्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये फिगर देखिए, ये फिगर आपको जहाँ भी दिखता है, ये प्रेशर डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिड्यूसिंग एंड रिलीविंग वाल्व का सिंबल है। ये प्रेशर रेगुलेट होकर हमको मिलता है और रिलीविंग के लिए सिस्टम दिया हुआ है, तो इसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, ये टी पोर्ट टैंक पोर्ट है, ये प्राइमरी प्रेशर पोर्ट है, ये रेगुलेटेड प्रेशर पोर्ट है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब हमारे इधर का सेटिंग कम रहता है तो ये डाउन पोजीशन में रहता है और ये आयल पूरे में रेगुलेटेशन प्रेशर की ओर जाते रहता है। लेकिन जैसे जैसे सेटिंग रिच होना शुरू होता है, जब रिच होता है तो क्या होता है कि इधर का प्रेशर बढ़ता है और धीरे धीरे लिफ्ट होना शुरू होता है। जब लिफ्ट होना शुरू होता है, पहले स्ट्रोक में क्या होता है कि ये फ्लो जो हमारे इधर से इधर आ रहा है पी पोर्ट से, ये बंद होना शुरू होता है। फर्दर फिर से अगर बढ़ता है तो फिर फर्दर जब लिफ्ट होता है तो पी एम आर देखिए इसे कनेक्ट होते हुए टैंक को जाने लगता है। तो ये डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में है। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक कार्टिलेज वाल्व कैन ऑल्सो सर्व एज बोथ प्रेशर रिड्यूसिंग एंड प्रेशर रिलीविंग वाल्व एज शोन इन फिगर। द वाल्व इज अ डायरेक्ट एक्टिंग नॉर्मली ओपन प्रेशर रिड्यूसिंग एंड रिलीविंग वाल्व। द प्राइमरी सिस्टम पोर्ट इज द लोअर साइड पोर्ट, द रेगुलेटर प्रेशर इज द बॉटम पोर्ट एंड द टैंक पोर्ट इज द टॉप साइड। ये देखिए, ये प्राइमरी प्रेशर पोर्ट जैसे बता रहा था, ये रेगुलेटेड प्रेशर पर बॉटम में है, ये साइड में है, बीच में है, लोअर साइड में है और ये अपर साइड में टी पोर्ट टैंक। ऑन दिस वाल्व व्हेन प्रेशर एट द रेगुलेटेड पोर्ट इज लोअर देन द वाल्व्स प्रेशर सेटिंग, जो वाल्व प्रेशर सेटिंग इधर से करते हैं, अगर ये कम रहता है तो ये पूरा डाउन रहता है और पूरा अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो आते रहता है। देन द वाल्व प्रेशर इन द वाल्व इज विल मूव्स डाउन टू अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो फ्रॉम द प्राइमरी प्रेशर पोर्ट टू द रेगुलेटेड प्रेशर पोर्ट। दिस ब्लॉक्स फ्लो टू द टैंक। इस कंडीशन में जब ये पूरा ओपन रहता है, जब डाउन रहता है तो ये टी पोर्ट को ब्लॉक करके रखता है। जब ये देख रहे हैं ना, ये इधर से जुड़ा हुआ है, जब ये डाउन रहेगा तो ये कनेक्ट होगा ही नहीं। वेन प्रेशर एट द रेगुलेटेड प्रेशर पोर्ट रीचेज द प्रेशर सेटिंग, द वाल्व इज पुल मूव्स अवे फ्रॉम द रेगुलेटेड पोर्ट टू पार्शियली रिस्ट्रिक्ट द फ्लो, देयर बाय लिमिटिंग द प्रेशर एट द रेगुलेटेड प्रेशर पोर्ट। अब जैसे ही सेटिंग को रीच होना शुरू होता है तो क्या होता है, ये जो स्पूल है ना, ये लिफ्ट होना शुरू होता है। जब लिफ्ट होना शुरू होता है, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हमारा फ्लो देख रहे हैं ना, इधर से जो फ्लो इधर आ रहा है, ये बंद होना शुरू होता है, तो प्रेशर का रिस्ट्रिक्शन शुरू होता है। फिर फर्दर अगर कंट्रोल नहीं हुआ, फर्दर अगर प्रेशर बढ़ा तो अभी क्या हुआ, पूरा लिफ्ट होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये ओपनिंग जो है, ये ओपनिंग होते हुए चला जाता है टैंक को। जब टैंक को जाने लगता है तो ये हमारा कंट्रोल हो जाता है। यही बताया हुआ है, देयर बाय लिमिटिंग द प्रेशर ऑफ द रेगुलेटेड प्रेशर पोर्ट। व्हेन प्रेशर एट द रेगुलेटेड प्रेशर पोर्ट एक्सीड द प्रेशर सेटिंग, द वाल्व स्पूल मूव्स फर्दर अप टू ओपन द फ्लो फ्रॉम द रेगुलेटेड पोर्ट टू द टैंक पोर्ट। द स्पूल्स मूवमेंट ऑल्सो ब्लॉक्स द प्राइमरी प्रेशर पोर्ट। इस कंडीशन में क्या होता है, मूवमेंट होता है प्राइमरी प्रेशर पोर्ट को ब्लॉक करता है। अभी हम इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें क्या है, रिड्यूसिंग एंड रिलीविंग वाल्व पायलट ऑपरेट। पायलट ऑपरेटेड नॉर्मली ओपन स्क्रू इन वाल्व एग्जिस्ट फॉर प्रेशर रिड्यूसिंग एंड रिलीविंग पर्पसेस एज शोन इन फिगर। भी फिगर में दिखाया हुआ है, ये पायलट यूनिट है इसका। ये ग्राफिकल सिंबल तो सेम है, लेकिन ये पायलट यूनिट। तो इसका फंक्शन क्या, एज वी कैन सी वाल्व प्रेशर रेगुलेटेड प्रेशर एंड टैंक पोर्ट्स आर इन द सेम लोकेशन एज द डायरेक्ट एक्टिंग वाल्व। भी जस्ट डिस्कस जैसा डिस्कस किया वैसा ही है। द डिफरेंस ऑन दिस वाल्व इज दैट द प्रेशर इन द लाइट स्प्रिंग चैम्बर ऑफ द मेन स्टेज इज लिमिटेड बाय द बॉल टाइप पायलट वाल्व। ये बॉल टाइप पायलट वाल्व से लिमिट होता है। कॉन्सिक्वेंटली द प्रेशर एट द रेगुलेटेड प्रेशर पोर्ट इज लिमिटेड टू द पायलट वाल्व प्रेशर प्लस द लाइट स्प्रिंग प्रेशर। रेगुलेटेड प्रेशर पोर्ट पर किसे होता है, लिमिट होता है पायलट वाल्व प्रेशर प्लस द लाइट स्प्रिंग प्रेशर। जो लाइट स्प्रिंग प्रेशर है और पायलट वाल्व प्रेशर से ये रेगुलेट होता है। बियॉन्ड द यूज ऑफ द पायलट स्टेज दिस वाल्व ऑपरेट्स लाइक द डायरेक्ट। इसके यूज से आगे है ये पायलट स्टेज। बियॉन्ड द यूज ऑफ पायलट स्टेज, पायलट स्टेज के यूज से आगे दिस वाल्व ऑपरेट्स लाइक द डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिड्यूसिंग एंड रिलीविंग वाल्व। ये है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। और आगे में ये सीक्वेंस वाल्व, अनदर टाइप ऑफ स्क्रूइन वाल्व यूज टू फॉर प्रेशर कंट्रोल इन ए स्पूल टाइप डायरेक्ट एक्टिंग सीक्वेंस वाल्व एज शोन इन फिगर। द स्क्रूइन वाल्व इज इंटरनली पायलटेड टू मेंटेन प्रेशर इन द प्राइमरी सिस्टम एट द बॉटम ऑफ द वाल्व। देखिए, ये सीक्वेंस वाल्व का ये ग्राफिकल सिंबल है। ये सीक्वेंस पोर्ट है, ये प्राइमरी पोर्ट है, ये टैंक पोर्ट है, ये स्प्रिंग से सेट किया हुआ है। द सीक्वेंस पोर्ट इज द लोअर साइड पोर्ट वाइल द अपर साइड पोर्ट इज कनेक्टेड टू द टैंक। इसमें क्या है, प्राइमरी सिस्टम पोर्ट एट द बॉटम ऑफ द वाल्व। प्राइमरी सिस्टम पोर्ट ये है, ये सीक्वेंस पोर्ट है, ये टैंक पोर्ट है। व्हेन प्रेशर इज बिलो द वाल्व साइड एडजस्टेबल सेटिंग द प्राइमरी प्रेशर पोर्ट इज ब्लॉक्ड। प्राइमरी प्रेशर पोर्ट इज ब्लॉक्ड एंड द सीक्वेंस पोर्ट इज कनेक्टेड टू द टैंक। अब अगर सेटिंग एडजस्टेबल सेटिंग से कम रहता है प्रेशर, तो क्या रहता है, द प्राइमरी प्रेशर पोर्ट इज ब्लॉक्ड एंड द सीक्वेंस पोर्ट इज कनेक्टेड। उस कंडीशन में सीक्वेंस पोर्ट टैंक को कनेक्टेड रहता है।
ये सीक्वेंस में टैंक को कनेक्ट रखता है नॉर्मल कंडीशन में। फिर क्या होता है, व्हेन द प्रेशर एट द प्राइमरी पोर्ट रीचेज द वाल्व्स प्रेशर सेटिंग द स्पूल लिफ्ट्स टू अलाउ फ्लो फ्रॉम द प्राइमरी पोर्ट टू द सीक्वेंस पोर्ट, द टैंक पोर्ट इज ब्लॉक टू द। जैसे ही प्रेशर सेटिंग होना शुरू हो जाता है तो ये प्राइमरी पोर्ट ये लिफ्ट होना शुरू हो, जब लिफ्ट होना शुरू हो जाए तो ये जो हमारा आयल है ये सीक्वेंस को जाने लगेगा। देख रहे नॉर्मल पोजिशन में ये ब्लॉक है, ये टैंक को जा रहा है, दिखा ना सीक्वेंस आयल टैंक को जा रहा है। लेकिन जब ये ब्लॉक, जैसे ये प्रेशर सेटिंग आया, जब प्रेशर सेटिंग आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पी इधर आ जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा सीक्वेंस पोर्ट को। ये दिखाया हुआ है, ये स्प्रिंग सेट किया रहता है। और हम आगे बढ़ते हैं फ्लो कंट्रोल स्क्रूविन कार्ट्रिज वाल्व पे आते हैं हम। अभी फ्लो कंट्रोल कैसे होता है, स्क्रूविन कार्ट्रिज वाल्व आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो रेट ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। फ्लो रेट पर मिनट में कितना फ्लो जाएगा, पर सेकेंड में कितना फ्लो जाएगा, इसको यूज कंट्रोल करने के लिए भी होता है। द टाइप्स ऑफ स्क्रूविन वाल्व यूज टू कंट्रोल फ्लो इंक्लूड नीडल वाल्व्स, फ्लो रेगुलेटर वाल्व्स, बाईपास वाल्व, प्रायोरिटी फ्लो रेगुलेटर वाल्व्स, फ्लो डिवाइडर, कंबाइनर वाल्व्स। यही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी देखिए बिलो फिगर रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल रिस्ट्रिक्टेड टाइप फ्लो कंट्रोल वाल्व कॉल्ड अ नीडल वाल्व। इट हैज अ टेपर्ड नीडल स्टीम टू प्रोवाइड प्रिसाइज कंट्रोल फॉर मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेट ऑफ वाल्व एप्लीकेशन। देयर इज नो प्रेशर कंपनसेशन ऑन दिस वाल्व, इसमें कोई प्रेशर कंपनसेशन, फ्लो कैन बी मीटर्ड इन आइदर डायरेक्शन। ये नीडल वाल्व का फोटो है। अभी यहाँ से हम जैसे जैसे इसको चेंज करते हैं उस हिसाब से ये हमारा फ्लो चेंज होता जाता है, वही बताया हुआ है। ये देख रहे हैं जनरली ये बंद रहता है, ये नीडल वाल्व जनरली हाइड्रोलिक्स में यूज होता है क्योंकि मीटरिंग आराम से होता है, मीटरिंग कोई भी डायरेक्शन में होगा, इधर इधर कोई भी डायरेक्शन में होगा, तो जनरली नीडल वाल्व अगर आप लगाएंगे तो उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं रहता है क्योंकि आप कैसे भी लगाएं तो कंट्रोल करेगा। ये स्टीम है जब उठाते हैं तो ये ओपनिंग हमारा खुलता है। ये वेरिएबल रिस्ट्रिक्शन है, इसके ऊपर एरो मारा हुआ, मतलब इसको हम वेरी कर सकते हैं। ये फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन के ऊपर में एरो मारा हुआ है, मतलब इस रिस्ट्रिक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, मैनुअली चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अभी आते हैं प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो रेगुलेशन रेगुलेटर वाल्व। बिलो फिगर शो जो प्रेशर कंपनसेटेड रिस्ट्रिक्टेड टाइप नॉन एडजस्टेबल फ्लो रेगुलेटर वाल्व। ये फ्लो रेगुलेटर वाल्व ये फैक्ट्री से जनरली सेट होके आता है। देख रहे हैं ये हमारा ग्राफिकल सिंबल कैसा है, ये फिक्स्ड ऑर्फिस है, इधर से इधर आयल जा रहा है और ये मतलब नॉन एडजस्टेबल टाइप का है, प्रेशर कंपनसेटेड बट नॉन एडजस्टेबल। अगर एडजस्टेबल होता तो यहाँ पे एक एरो मारा रहता है, चूंकि ये डाला हुआ तो ये एरो मारा हुआ तो ये प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल का है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इसके बारे में बताया हुआ है। द रिस्ट्रिक्टेड टाइप वाल्व प्रोवाइड्स कॉन्स्टेंट फ्लो रेट डिस्पाइट वेरिएशन इन सिस्टम और लोड प्रेशर। सिस्टम में लोड प्रेशर के हिसाब से भी कॉन्स्टेंट फ्लो रेट ये देता है। इन दिस फिगर इंडिकेट द प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो ट्रेवल्स फ्रॉम द इन टू द आउटपुट ओनली। जो फ्लो का प्रेशर है ये इन से आउट को, मतलब ये इधर से होके इधर को जाता है। द साइज ऑफ द पैसेज एट द आउटपुट मॉड्यूलेट्स टू कीप द प्रेशर ड्रॉप कॉन्स्टेंट अक्रॉस द कंट्रोल ऑर्फिस। कंट्रोल ऑर्फिस जो है उसके अगेंस्ट में दोनों साइड में प्रेशर ड्रॉप को कॉन्स्टेंट मेंटेन करता है। द प्रेशर ड्रॉप मेंटेन्ड अक्रॉस द कंट्रोल ऑर्फिस इज सेट एट द फैक्ट्री एंड इज डिटरमाइंड बाय द वाल्व स्प्रिंग। कितना होगा कंपनसेशन ये फैक्ट्री से सेट होता है, होके आता है, इसलिए हमको छेड़ने की जरूरत नहीं रहती। अभी देखिए अभी इधर से इन आउट जाता है। अभी जैसे हमने लेक्चर में बताया था कि फ्लो जो है प्रेशर डिफरेंस पर डिपेंड करता है, तब प्रेशर डिफरेंस अगर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा तो हमारा फ्लो भी कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। अभी आता है प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो रेगुलेटर वाल्व। बिलो फिगर शोज अनदर प्रेशर कंपनसेटेड रिस्ट्रिक्टेड टाइप। ये रिस्ट्रिक्टेड टाइप फ्लो कंट्रोल वाल्व, ये देखिए रिस्ट्रिक्टेड टाइप का है। हमारा इधर से आयल का फ्लो आता है, इधर से होते आउट को चला जाता है। ये फिगर है, मतलब ये कम, इसका मतलब यही है, एक तो प्रेशर कंपनसेटेड, ये चेंजेबल टाइप का मतलब वेरिएबल, हम वेरी कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको वेरी कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल ऑर्फिस है, ये प्रेशर कंपनसेटर है, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस वाल्व इज नॉन एडजस्टेबल, अगेन द प्रेशर कंपनसेटेड ऑपरेट्स फ्रॉम द इन टू द आउटपुट। एज वी कैन सी दिस वाल्व इंक्लूड्स टू स्क्रूविन कार्ट्रिज। टू स्क्रूविन कार्ट्रिज है, एक वेरिएबल है, वन कार्ट्रिज इज सिंपल एडजस्टेबल ऑर्फिस एंड द अदर इज अ रिस्ट्रिक्टेड टाइप प्रेशर कंपनसेटर। द प्रेशर कंपनसेटेड कार्ट्रिज गिव्स ए कॉन्स्टेंट प्रेशर ड्रॉप इक्वल टू द प्रेशर वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग अक्रॉस द एडजस्टेबल ऑर्फिस कार्ट्रिज बाई वेरिंग द प्रेशर ड्रॉप। By varying the pressure drop across the compensator spool at the output as the load pressure varies, उसके हिसाब से vary करता रहता है। ये maintain adjustable pressure compensated होता है, load के हिसाब से ये आप change होता रहता है। लेकिन इसमें एक हम जो adjustable एक बार adjust करते हैं तो वही flow इधर से आएगा और उसी के range में इधर से इधर ये
एडजस्ट होते रहेगा। अभी आते हैं प्रेशर कंपनसेट एंड बाईपास टाइप बल्ब। बाईपास टाइप बल्ब आर अनदर ग्रुप ऑफ इसक्रीन कैटरेज बल्ब यूज टू रेगुलेट फ्लो। दीज बल्ब कैन बी एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल, ये दोनों हो सकता है, एडजस्टेबल हो सकता है, नॉन एडजस्टेबल होता है। बिलो फिगर इज शोज ए नॉन एडजस्टेबल प्रेशर कंपनसेटेड बाईपास टाइप बल्ब। द फ्लो फ्रॉम द इन पोर्ट टू द रेगुलेटेड पोर्ट इज प्रेशर कंपनसेटेड। ये देखिए ये फिगर, ये ग्राफिकल सिंपल है इसका। इन ये आउट, ये बाईपास लगा हुआ है, स्प्रिंग देख रहे हैं ना, स्प्रिंग से ये लोडेड है, ये इन रेगुलेटेड पोर्ट आउट, यहाँ से बाईपास, और ये स्प्रिंग के सेटिंग के हिसाब से चलेगा। ये कंट्रोल और फिस दिखाया हुआ है। एनी फ्लो ग्रेटर दैन द बल्ब्स फिक्स्ड फ्लो रेट इज डाइवर्टेड आउट टू द बाईपास पोर्ट। इफ द बाईपास लाइन गोज टू द टैंक द बल्ब इज रिपोर्ट टू एज ए बाईपास टाइप प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल। जो भी सेटिंग होगा तो सेटिंग से ज़्यादा जो भी होगा, सेटिंग से ज़्यादा जो भी होगा, अभी जैसे इधर से इधर फ्लो जा रहा है तो इधर इधर सब प्रेशर मेंटेन होगा। जैसे ही इधर प्रेशर बढ़ेगा क्या करेगा, ये इसको स्प्रिंग के अगेंस्ट में इसको दबा देगा, ये स्प्रिंग के अगेंस्ट में इसको दबा देगा। दबाने के बाद ये स्पूल जैसे ही मूव हुआ, देख रहे हैं जैसे ही ये स्पूल ऊपर मूव हुआ, ये इन बाईपास कर जाने, बाईपास कर जाने लगा। जनरली ये टैंक में जाता है तो बाईपास टाइप का होता है, अगर ये सेकेंडरी कोई सिस्टम लोड प्रेशर में जा रहा है तो ये प्रायोरिटी वाल्व होता है, पहले इधर वाला काम करेगा उसके बाद सेकेंड इधर का काम करेगा, यही बताया हुआ है। इफ द बाईपास लाइन कनेक्ट द फ्लो टू अ सेकेंड लोड फंक्शन द वाल्व इज रिफर्ड टू एज ए प्रायोरिटी वाल्व बिकॉज द फर्स्ट ऑपरेशन हैज प्रायोरिटी ओवर द सेकेंड ऑपरेशन। जैसे कि बता रहे थे कि पहले रेगुलेशन प्रेशर में जाकर एक काम किया, तो काम करने जैसे ही इधर प्रेशर बिल्डअप हुआ, प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ तो ये लिफ्ट कर देगा, तो ये बाईपास लाइन में जाने लगा। अभी बाईपास टाइम में जाए तो बाईपास हो जाएगा, अगर कोई और लोड के लिए जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है, कहीं और कनेक्टेड है कोई सिलेंडर में, तो ये प्रायोरिटी वाल्व इसका नाम हो जाएगा। प्रेशर कंपनसेटेड बाईपास टाइप वाल्व अनदर प्रेशर कंपनसेटेड एडजस्टेबल बाईपास टाइप फ्लो कंट्रोल वाल्व अपीयर्स इन बिलो फिगर बी। लाइक द टू कैटरेज रिस्ट्रिक्टेड टाइप वाल्व वी डिस्कस दैट हियर, दिस वाल्व इंक्लूड्स टू कैटरेज। वन कैटरेज इज ए बाईपास टाइप फ्लो कंपनसेटर स्पूल व्हाइल द सेकेंड इज ए एडजस्टेबल ऑरिफिस। ये दिखाया हुआ प्रेशर कंपनसेटेड नॉन एडजस्टेबल बाईपास टाइप फ्लो कंट्रोल वाल्व विद टू स्क्रू इन कैटरेज। देखिए अब इसमें इन इधर से होते हुए इधर को जा रहा है और ये बाईपास टाइप का, जब ये सेटिंग से ज़्यादा रहेगा तो ये इधर खुल जाएगा, नहीं तो रेगुलेशन प्रेशर ही जाता रहेगा। ये दोनों एडजस्टेबल टाइप का है, प्रेशर कंपनसेटेड नॉन एडजस्टेबल बाईपास टाइप फ्लो कंट्रोल वाल्व विद टू स्क्रू इन कैटरेज, एक ये स्क्रू एक स्क्रू इन हुआ। तो फ्रेंड ये रहा फ्लो कंट्रोल के बारे में, एक टॉपिक और बचा हुआ है इसमें फ्लो डिवाइडर के बारे में, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब देखने के बाद आपको स्क्रू इन कैटरेज वाल्व के बारे में समझ में आएगा, जनरली यूज होता है ये। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी मैं कुछ नया अपलोड करूँ आप लोग को इमीडिएट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।